स्लीव्स रेदर देन सन, जो नौकर हैं वो सन से या जो पुत्र हैं उनसे अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो विश्वास था वो बनाया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स ने, मोस्टली जिनका नाम सबसे पहले आता है वो है तुगलक और खिलजीज। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 3rd क्लास 7th हिस्ट्री के 6th पॉइंट को, एंड द पॉइंट इज अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ऐसा क्या हुआ कि जो उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक स्लेव ज़्यादा बेहतर है एक सन से, अपने पुत्र से अगर आपका कोई नौकर है वो ज़्यादा बेहतर है। इसी टॉपिक को आज पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी दिल्ली सल्तनत के लोगों को या दिल्ली सुल्तान्स को। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. जैसे जैसे दिल्ली का जो किंगडम था, जो राज्य था दिल्ली सल्तनत का, वो बढ़ रहा था, उसी के साथ ज़रूरत पड़ी वहाँ दिल्ली सुल्तान्स को रिलायबल गवर्नर्स की, ऐसे गवर्नर्स की जो बिल्कुल उनके हिसाब से चलें, जिन पे वो विश्वास कर सकें और जिनके बेस पे वो अपने जो सल्तनत है उसको बढ़ा सकें। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेंस एज गवर्नर्स, उन्होंने एक चीज़ पिक करी जो नई चीज़ थी मोनार्की सिस्टम से हट के, कि उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स जो उस टाइम के जो उनके राज्य से संबंधित, जो उनके राजा के घर से संबंधित जो लोग थे, जैसे बेटा हो गया, ठीक है, भतीजा हो गया, या जो भी उनके खानदान से संबंधित, उनके क्लान से संबंधित लोग थे उनको, या फिर जो चीफटेंस थे, ठीक है, जो मुखिया थे, प्रधान थे किसी लैंड के, किसी जगह के, किसी बड़े जगह के ज़मींदार थे, उनको अच्छे पद ना देके बल्कि उस टाइम के जो स्लेव्स थे उनको दिया गया। ठीक है, जैसे द अर्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश, यहाँ पे सबसे पहले इल्तुतमिश का नाम आता है, फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन। पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें बंदगन बुलाया जाता है स्लेव्स को, ठीक है, जिनको खरीद के लाया जाता है, जिनको हम अपने हिंदी भाषा में गुलाम कहते हैं, उनको खरीद के लाया जाता है, उनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए लाया जाता था, कि उनको आर्मी में, कोई आर्मी में जाना नहीं चाहता था, मरना नहीं चाहता था, सैनिक नहीं बनना चाहता था, तो उनको परचेज किया जाता था और उसके बाद उनको मिलिट्री सर्विसेज दी जाती थी, ठीक है, या उसके लिए रखा जाता था। लेकिन जब इल्तुतमिश का टाइम आया तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं स्लेव्स में से जो अच्छे थे, जो उनको लगा कि जो ये ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं मेरे लिए, उनको उन्होंने वहाँ से उठा के और स्पेशल जनरल या फिर गवर्नर की पोस्ट दे दी। तो ये सबसे पहले स्पेशली स्टार्टिंग करी थी इल्तुतमिश ने, ओके, और उनको बुलाया जाता था बंदगन। They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. और उनको बहुत सावधानी से इस तरीके से ट्रेन किया जाता था उन बंदगन को, उन स्लेव्स को, कि वो उनके किंगडम के स्पेशल जो पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उसको हैंडल कर सकें। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम। और कुछ इस तरीके से राजा और स्लेव, जो बंदगन थे और जो राजा सुल्तान था, वो एक दूसरे को इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते थे कि सुल्तान उनकी बात मानता था और जो स्लेव होते थे वो पूरी तरीके से अपनी हर एक ज़रूरत के लिए जो सुल्तान है उस पर डिपेंड होते थे। इसी में एक किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन ने, या बुद्धिजीवी कह सकते हैं, उन्होंने कहा है, अ स्लेव हुम वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड, अगर कोई स्लेव, कोई गुलाम को लाया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू अ फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। और अगर उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है पूरे लाइफ टाइम, तो ये एक गुड लक साइन है, ये अच्छी चीज़ है और वो उतने ही ईमानदारी से राजा या सुल्तान के लिए काम करता है। वाइज मैन हैव सेड, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने ये बात लिखी है, उन्होंने कहा, अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन, अगर एक बहुत ट्रस्टफुल आपके पास स्लेव है तो वो आपके बेटे से भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सन है, जो पुत्र है, उसको कहीं ना कहीं क्या होता है कि
सत्ता का लोभ आ जाता है ना, कि उसको ये लगता है कि यार हम अब मेरे पिताजी हैं राजा और अब इनके बाद मैं बनूंगा। जबकि जो स्लेव होता है वो लिटरली सिर्फ अपने राजा और राज्य के लिए काम करता है। जैसे एक नाम बहुत आता है अकबर, मुगल एम्परर में, अकबर के टाइम में, बैरम खां का, कि मतलब अगर 13 साल की उम्र में जो अकबर थे उन्होंने, उनको तो कुछ आता नहीं था, 13 साल के बच्चे को क्या आएगा रूल करना, लेकिन बैरम खां ने कभी सिंहासन का लोभ ना करते हुए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अपने राजा के अंडर में रह के और अपने राज्य का विस्तार किया और आगे बढ़ाते गए उसको। तो इस तरीके के स्लेव थे और इल्तुतमिश इस पे बहुत विश्वास करते थे कि अगर आप स्लेव को बनाओ, अच्छा करोगे, उसके लिए प्रमोशन करोगे, उसको अच्छा बनाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रस्टवर्दी रहेगा, बल्कि शायद आपका जो बेटा है वो आपके लिए कभी ट्रस्टवर्दी ना रहे, उसको कभी ऐसा सिंहासन का ना, उसको ग्रीडी हो जाए वो उसके लिए और फिर वो आपको मार दे या आपको नुकसान करे। चलिए, इसको ही आगे बढ़ाया था खिलजी ने भी। द खिलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज़ द बंदगन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। खिलजीज और तुगलक ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी से और खिलजी और तुगलक्स ने भी इसको कंटिन्यू किया बंदगन को, कि जो अच्छे ट्रस्टवर्दी जो उनके स्लेव थे उनको अच्छी अच्छी पोस्ट देना शुरू किया, जो कि हम्बल बर्थ से, हम्बल बर्थ इन द सेंस जो निचले तबके के लोग थे, ठीक है, जो गुलाम वंश के लोग थे, गुलाम थे जो, उनको हायर पोस्ट देना स्टार्ट किया, जिससे लोगों में अपने राजा के प्रति जो ट्रस्ट है वो बढ़ाने की एक होड़ सी मच गई कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम राजा के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। इस तरीके से हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, और यही बाद में हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे भी इनको बैठाला गया। दे वर अपॉइंटेड एज जर्नल्स एंड गवर्नर्स, उनको जर्नल और गवर्नर्स भी बना दिया गया, एक जैसे किसी एक राज्य का उनको एक गवर्नर ही बना दिया गया। खिलजी के टाइम पे एक था 1000 दिनारी, ठीक है, तो उसको क्या था, वो एक स्लेव था, गुजरात से खरीदा हुआ एक दास था, और उसको वो इतने खुश हो गए जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, कि उसने उसको साउथ का पूरा एरिया ही दे दिया, पूरा रीजन दे दिया कि तुम वहाँ के गवर्नर हो और तुम वहाँ की देख रेख करो। तो इस तरीके से जो ट्रस्टवर्दी स्लेव्स थे खिलजी और तुगलक्स ने उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। However, this also introduced an element of political instability. और कहीं ना कहीं इससे ये भी होने लगा कि जो राजनीतिक स्थिरता थी वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगी और कहीं पे लोगों के मन में भाव आने लगे। Slave and clients were loyal to their masters and patrons. Slave जो थे वो इतने ज़्यादा, या जो clients थे वो इतने ज़्यादा अपने master के लिए loyal थे कि उन, वो किसी और की सुनते ही नहीं थे, even इतने ज़्यादा थे, बट नॉट टू देयर हेरीज, वो अपने जो वंशानुगत जहाँ से वो आए थे, जिन जो उनके माँ बाप थे, वो उनकी भी बात नहीं सुनते थे, वो अपने मास्टर के लिए इतने ज़्यादा लॉयल थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स, हर एक नया सुल्तान होता था वो अपने नए स्लेव्स को रखता था, वो कभी ये ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी ने किसी को रखा है और फिर वो दूसरा सुल्तान बन गया नया तो वो उसी स्लेव के भरोसे चल रहा है, नहीं, हर एक सुल्तान अपने न्यू स्लेव्स को रखता था, न्यू सर्वेंट्स को रखता था। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, और इसका फ़र्क क्या पड़ा कि जो नए राजा और पुराने राजा हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ होने लगीं। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइड्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेज। इवन बहुत सारे जो क्रोनोलॉजिकल जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बोला, क्रिटिसाइज़ किया दिल्ली सुल्तान्स को, उन्होंने बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कैपेबल लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, हाई पोस्ट के हैं, नोबल्स हैं, तो उनकी जगह आप स्लीव्स को क्यों दे रहे हो, ठीक है, उनको आप गवर्नर उनको क्यों बना रहे हो। लेकिन जो खिलजीज और तुगलक थे उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने जो नए जो स्लीव थे जो उनको पसंद आते थे वो उनको गवर्नर्स की पोस्ट या हायर पोस्ट देते थे। इसका बहुत अच्छा ऑफिशियल एक एग्ज़ाम्पल भी है, ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक।
ये एक सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपॉइंट किया था अज़ीज़ खुमर एज अ वाइन डिस्टिलर. वाइन डिस्टिलर मतलब जिनकी ये शराब की दुकानें वगैरह होती हैं ना, जो वहाँ काम करते हैं, उसको उन्होंने एक अपॉइंट किया था फिरोज़ हज़म अ बारबर. एक नाई था फिरोज़ हज़म, उसको उन्होंने अपॉइंट किया था. मनका तबाक अ कुक, एक खाना बनाने बावर्ची था. एंड टू गार्डनर, दो माली थे जो बगीचे में काम करते हैं. लादा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उन्होंने वहाँ पोस्ट पे उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा दिया. मतलब माली को, कुक को, मतलब लोगों में ये आ गया था कि अगर मैं जो सुल्तान है उसका ट्रस्ट वर्दी हूँ तो शायद मुझे कभी ना कभी, मैं कहीं का भी हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, इससे मतलब नहीं है, मुझे हायर पोस्ट मिल सकती है. जियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ अ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल. इसमें एक जियाउद्दीन बरानी थे जो उस टाइम जो क्रॉनिकल लिखते थे, तो उन्होंने इसमें लिखा है कि तुगलक का जो पॉलिटिकल जो इन डिस्टर्बेंस हुआ था, इनकैपेसिटी जो शो होती है ना, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक उनको पागलों का राजा कहा जाता है कि वो डिफरेंट टाइप के बिल्कुल से अचानक से अचंभे वाले वो ले लेते थे किसी भी तरीके के कोई डिसीजंस, तो इसीलिए उनको कहा गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनका मानना ये था जो जियाउद्दीन थे बरानी, उनका मानना ये था क्योंकि ये किसी को भी हायर पोस्ट दे देते थे, किसी को भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर लेते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये बात होती है कि कैसे स्लेव और जो उस टाइम के जो राजा के जो घर परिवार के लोग थे उनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इसके बारे में. अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जबकि हम बात करेंगे इक्ता और इक्तादारी की. ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इक्ता के साथ.